नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेर और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी M31 का गेमिंग टेस्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ोन का टेम्परेचर कितना बढ़ता है आधे घंटे की गेमिंग के बाद, फ़ोन की बैटरी कितनी ड्रेन होती है आधे घंटे की गेमिंग के बाद, और फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी रहती है ड्यूरिंग द गेम प्ले। इसके गेम प्ले के दौरान मैं आपको दो तीन टेस्ट दिखाऊंगा, जैसे कि एक टेस्ट तो यही रहेगा कि पहले मैं हाईएस्ट सेटिंग पे गेम्स खेलूंगा, फिर उसके बाद मैं सेटिंग को लो करके भी गेम खेलूंगा और आपको बताऊंगा कि परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क पड़ रहा है। साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको इसका एंटीडू बेंचमार्क स्कोर भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस गेमिंग टेस्ट और पबजी गेम खेलने वाले हैं इसके अंदर हम। यहां मैंने पबजी गेम को स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं आपको इसका टेम्परेचर दिखा देता हूं। तो 27 के आसपास टेम्परेचर इसका जा रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं 28 पहुंच गया है ये 28.7 पहुंच गया था अभी, ये रहा 28, इस तरह 28 है। और अगर बैक टेम्परेचर की बात करें तो हाईएस्ट 26.8 गया था एक बार, 27 जा चुका है। तो फ्रंट और बैक दोनों में 27 टेम्परेचर आपको मिल जाता है और गेम स्टार्ट हो चुकी है तो इसलिए टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आधे घंटे गेमिंग करेंगे, उसके दौरान हम देखेंगे कि कितना हीट होता है फ़ोन, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी रहती है। आपको बता दूं कि सैमसंग ने इस फ़ोन में सेम वही प्रोसेसर दिया है जो कि कंपनी अपने 20-22 हज़ार के स्मार्टफोन में भी यूज़ करती है, जैसे कि ए सीरीज के स्मार्टफोन में। यानी इसमें दिया गया है सैमसंग का खुद का एक्सिनोस 9611 चिपसेट, A51 में भी यही सेम चिपसेट आपने देखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 हज़ार का चिपसेट कंपनी आपको 15 हज़ार से भी कम के प्राइस में मुहैया करवा के दे रही है, और ये काफ़ी अच्छी बात सैमसंग की ओर से। हालांकि ये चिपसेट बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं, लेकिन गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप हाई सेटिंग पर गेम खेल सकते हैं। थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है ये, मैं एक बार इसको दूसरे नेटवर्क पर स्विच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है, आई एम सॉरी मैंने बीच में टाइमर को स्टॉप कर दिया था क्योंकि नेटवर्क सेटिंग्स की वजह से ये गेम लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रही थी, फ़ोन की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि नेटवर्क सेटिंग की वजह से। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फिर से नेटवर्क का एरर आ चुका है। एक बार फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ नेटवर्क को चेंज करने की। तो नेटवर्क इशू कुछ हद तक सॉल्व हुआ है और गेम को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लासिक मोड पर जाके रैंगल खेलते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। एक सेकेंड, चार वाला प्लेयर किया और ये किया। और गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बैटरी दिखा दूँ इसकी, 100% है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही तो सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ बैटरी में आपको इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100% बैटरी अवेलेबल लिखा हुआ है और बैकग्राउंड पे सिर्फ एक गेम चल रही है और सेटिंग्स का ऑप्शन ऑन हो रखा है, उसे भी हम हटा देते हैं और गेम को स्टार्ट करते हैं। टाइमर भी ऑन कर देते हैं। टेम्परेचर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि फ्रंट का टेम्परेचर 27 था और बैक का भी 27 के ऑलमोस्ट पहुँचा था। बैटरी 100% है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो वेरिएंट मेरे पास है इसमें 6 GB रैम के साथ 128 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। ऑडियो ऑफ कर देते हैं और ग्राफिक सेटिंग देख लेते हैं क्या है। इसको मैं HDR पे रख लेता हूँ और इसको अल्ट्रा पे रख लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि लगभग 15,000 यानी 15,000 से प्राइस कम है इसका, और उस प्राइस रेंज में भी आप इसमें HDR मोड पर गेम खेल सकते हैं। इस रेंज के किसी और फ़ोन में आप नहीं खेल पाएंगे HDR मोड पर, बहुत हैंग होगा अगर बाई चांस एक्टिवेट भी हो रखा हो। पहले तो एक्टिवेट ही नहीं होता है और एक्टिवेट भी तो बहुत हैंग होता है। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये हैंग होगा या फिर नहीं होगा। अल्ट्रा का ऑप्शन नहीं है, आई एम सॉरी, बस मैं चेक कर रहा था। तो यहाँ पे आ गए हैं हम लूट करने के लिए और देखते हैं क्या मिलता है लूट करने को। चलो एक गन तो थोड़ी डिसेंट मिल गई है मुझे। और अगर हम गेमिंग की बात करें तो अभी गेम स्टार्ट हुई है और थोड़ा सा मुझे हीटिंग इशू इसमें देखने को मिल रहा है। मैं ज़्यादा हीटिंग इशू तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस एरिया पे जहाँ पे मेरा ये आइकन बना है फायर का, यहाँ पे थोड़ा सा हीटिंग इशू मुझे लग रहा है इस गेम में। और लैग की अगर बात करें तो मैंने आपको दिखाया कि मैं कौन से ग्राफिक्स मोड पर खेल रहा हूँ। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि मैं HDR और अल्ट्रा मोड पर खेल रहा हूँ और गेम में कहीं पर भी आप देख सकते हैं जिटर नहीं दिखाई दे रहा है। ग्राफिक्स एक्चुअली में बहुत ही शानदार है, कहीं भी लैग नहीं है, और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, स्काई में देखिए, एकदम डिटेलिंग बढ़िया से दिखाई दे रही है। ग्राउंड हो, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, सारी चीज़ें। शेडोज़ देखिए ना आप, इधर शेडोज़ देखिए, इधर लाइट एरिया है और इधर डार्क एरिया है।
अगर हम इसको ग्राफिक्स कम करके खेलेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देगी, पर कम करने की मुझे लगता नहीं ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हैंग ही नहीं हो रहा है फ़ोन इस हाई मोड पर भी। मैं लगभग 15,000 के प्राइस रेंज में, 15,000 से भी कम के प्राइस रेंज में आप अच्छे हाई ग्राफिक्स वाली गेम खेल पाएंगे, पबजी को अच्छे से इन्जॉय कर पाएंगे। और आपको क्या चाहिए इस फ़ोन में, मैं इन्जॉय कर पा रहा हूँ, आप खुद देख पा रहे हैं अपनी आँखों से कि कहीं पर भी अभी तक फ़िलहाल लैग नहीं हुआ है। बहुत प्रो गेमर नहीं हूँ मैं, इसलिए आप कहेंगे कि कैसे अनाड़ियों की तरह खेल रहा है, बस मैं आपको गेमिंग टेस्ट दिखाने के लिए गेम खेलता हूँ, तो इसलिए आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, कभी कभी खेल ली तो खेल ली। तो इस गेमिंग के दौरान मुझे सैमसंग गैलेक्सी M31 में कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है, लैग नहीं है कहीं पर ज़रा सा भी, ग्राफिक लैग तो कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स पूरे डिटेल में है, और इनफैक्ट अच्छी बात है कि जब मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ तब भी कोई स्टटर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, ऐसा कोई मैं ज़बरदस्ती इस फ़ोन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पर एनीवे सेफ ज़ोन आ चुका है, मुझे लगता है कि भागना चाहिए मुझे यहाँ से, थोड़ा सेफ ज़ोन में जाता हूँ, मैं आपको और डिटेलिंग दिखाऊंगा इस गेम के बारे में, और उसके बाद फिर मैं इसे लो ग्राफिक पे भी खेलूंगा कि परफॉर्मेंस में शायद इंप्रूवमेंट देखने को मिले। अभी आपको दिखा होगा थोड़ा सा हल्का सा स्टटर, बट आपको बता दूं कि वो जो स्टटर था वो फ़ोन की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि नेटवर्क एरर की वजह से हल्का सा आया था। तो एक राइड मुझे मिल चुकी है और बाइक पे बैठ के मैं चलता हूँ सेफ जोन की ओर, गाड़ी भी दिख गई है मुझे थोड़ा सा, अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लैग देखने को मिल रहा है, पर आप ये भी देखिए कि अगर हल्का सा लैग दिखाई भी दे रहा है तो प्राइस रेंज फ़ोन का ज़रूर देखिएगा, इस प्राइस रेंज में एक मिनट एक काम करते हैं, ग्राफिक्स को कम ही कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 11 मिनट हो चुके हैं, और फ्रेम रेट भी कम कर लेते हैं, देखते हैं जो भी लैग आ रहा था वो आएगा या नहीं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने फ्रेम रेट कम किया और ग्राफिक कम किया है तो फ़ोन की जो डिस्प्ले में आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ा है, अभी भी लैग आ रहा है, दैट मीन्स ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मैं फिर से एक बार हाई सेटिंग पर चला जाता हूँ जो फ़ोन की हाई सेटिंग अवेलेबल है, हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे, अभी मैं टेस्ट करके आपको बताऊँगा एंड में जब गेम पूरी ख़त्म हो जाएगी। 28 लोग मर चुके हैं और मैंने एक भी नहीं मारा है, वाह इतनी पुअर गेमिंग परफॉर्मेंस, कोई तो था यहाँ पे जो भाग गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैग नहीं है, हाईएस्ट सेटिंग पे भी है और इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी बेटर हुई होगी अपने आप से। एक किल फाइनली मेरे नाम पे हो चुका है और मेरी जो टीम थी जो भाग गई थी वो फाइनली यहाँ पे आ गई है। काफ़ी गंदा गेम खेल रहा हूँ मुझे पता है, ऑलमोस्ट 14 मिनट की गेमिंग हो चुकी है क्योंकि अगर हम देखें तो 2.5 मिनट से गेम स्टार्ट की थी मैंने, और बैटरी का जरा हम डिटेल देखते हैं तो 97% बैटरी है, यानी 14 मिनट की गेमिंग में जिसमें 2.5 मिनट गेम लोड होने में भी लगा लें तो 3% बैटरी ड्रेन हुई है। हाँ, जो डिटेलिंग में आपको दिखाने वाला था वो ये थी कि इसे बम अगर हम लेते हैं यहाँ पे, एक नेड लेते हैं और नेड को मैं यहाँ पास में फेंकता हूँ, बहुत दूर नहीं फेंकता, और नेड के हम फ्लेयर्स को देखेंगे कैसा फ्लेयर नेड का दिखाई देता है हाईएस्ट सेटिंग में और लोएस्ट सेटिंग में। अभी आपने हाईएस्ट सेटिंग में देखा और अब मैं लोएस्ट सेटिंग कर देता हूँ इसकी, लो और स्मूथ कर देता हूँ, बैलेंस करते हैं, स्मूथ तो खैर बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे मैंने देखा ग्राफिक्स चेंज किए तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला होगा, स्मूथ करने के बावजूद भी ये गेम अभी भी हल्की सी लैग हो रही है, तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ये नेटवर्क इशू ही है। हाँ, तो अब ग्राफिक्स की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैं ग्राफिक्स की बात करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी हाईएस्ट सेटिंग पे कितने बढ़िया और बेहतरीन ग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं। आई एम श्योर कि जब आप M31 में गेमिंग करेंगे और इस ग्राफिक्स का अच्छे से आप लुत्फ उठाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि इस फ़ोन में गेमिंग खेलना। लेकिन जैसे ही अब आप कम प्राइस रेंज वाले कोई स्मार्टफोन देखते हैं तो उसमें आपको बैलेंस मोड या HD मोड मिलता है, और अगर मैं आपको बैलेंस मोड या HD मोड करके दिखाऊं तो ग्राफिक्स कुछ इस तरह हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सब कुछ प्लेन है, शेडोज दिखाई नहीं देती, यहाँ देख सकते हैं कि एकदम ग्रीनरी कम हो चुकी है, शेडोज हट चुकी हैं, बहुत कम शेडोज दिखाई दे रही हैं, काफ़ी सॉफ्ट दिखाई दे रहा है जितना भी एरिया है। तो क्या आप इस बजट के दूसरे स्मार्टफोन लेके इस मोड पे गेमिंग करके ऐसे बेसिक्स ग्राफिक्स के साथ गेम एंजॉय कर पाएंगे, या फिर आप हाई सेटिंग करके इतने बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ गेम को एंजॉय करना चाहेंगे?
आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। पर अभी फिलहाल 20 मिनट गेमिंग हुई है, मैंने ऐसे आपको वादा किया था कि मैं आधे घंटे गेमिंग करूँगा, तो आधे घंटे गेमिंग के बाद ही आपको इसका एक्चुअल रिजल्ट बताऊँगा कि बैटरी परसेंटेज कितना हुआ है और साथ ही साथ टेम्परेचर कितना राइज़ हुआ है। हालांकि बीच में राइज़ हुआ था टेम्परेचर, अब मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रहा टेम्परेचर ज़्यादा, बहुत ज़रा सा ही हीट इशू दिखाई दे रहा है इस फोन में। तो बीच में मेरा कैमरा ऑफ हो गया था इसलिए मैं आपको ठीक से इसके बारे में बता नहीं पाया, इसलिए मैं गेम को थोड़ा सा और कंटिन्यू करता हूँ। मैं इसको अभी 10 मिनट और खेलता हूँ ताकि आपको टेम्परेचर के बारे में ढंग से आइडिया हो जाएगा। अभी मैंने टीम डेथ मैच चलाया है, तो यहाँ पे मैं टीम डेथ मैच खेल रहा हूँ ताकि जल्दी से गेम एक ओवर हो जाए और मैं आपको इसके टेम्परेचर और इसके बैटरी के बारे में बता सकूं। अभी 37 मिनट की गेमिंग हो चुकी है, बीच में मेरा कैमरा बंद हो गया था इसलिए मैं गेमिंग को कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि आपको ठीक से टेम्परेचर का आइडिया भी हो जाएगा और मैं आपको बैटरी के बारे में बता सकूंगा। ओके, विक्ट्री हो चुकी है और ऑलमोस्ट 40 मिनट की गेमिंग हो चुकी है। अब मैं आपको 40 मिनट गेमिंग के बाद इसका टेम्परेचर और इसका बैटरी दिखाने वाला हूं। 30 मिनट्स में नहीं दिखा सका, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको 30 मिनट्स में ही पूरी तरह से गेमिंग टेम्परेचर और बैटरी दिखा सकूं। तो गेम को अब बंद करता हूं, मिनिमाइज करता हूं बेसिकली, और सबसे पहले टेम्परेचर देख लेते हैं। तो 39 पहुंच गया है टेम्परेचर 40 मिनट्स गेमिंग के बाद, और बैक का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बड़ा है, 37 पहुंच गया है, 27 आगे का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है टेम्परेचर। आप देख सकते हैं कि 39 आया था बीच में, 30 अब 7 हो गया है, थोड़ा सा ठंडा हो गया जल्दी फ़ोन जल्दी ठंडा हो रहा है, इसकी भी आपको दाद देनी पड़ेगी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ा है, 27 के आसपास फ्रंट का था और 27 के आसपास बैक का था, और अब 39 और 37 का टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो 40 मिनट की गेमिंग के बाद बैटरी क्या है वो दिखा दूँ मैं आपको। 40 मिनट गेमिंग के बाद 92% बैटरी हो चुकी है, 100% पे इसको मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 8% का बैटरी ड्रेन है, पर क्यों है इतना ज़्यादा बैटरी ड्रेन? आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 6000 बैटरी में तो कम ड्रेन होना चाहिए, पर यहाँ पे आपको नोटिस करना पड़ेगा कि फुल HD प्लस डिस्प्ले है विद सुपर AMOLED टेक्नोलॉजी, और मैं जो गेम खेल रहा था हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे खेल रहा था। मैंने बैलेंस मोड पे, लो मोड पे नहीं खेला है, ना HD मोड पे खेला है, मैंने HDR मोड पे खेला, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग। अगर आप देखेंगे तो इस प्राइस रेंज में आने वाले जो स्मार्टफोन होते हैं उनमें आप जो है गेम खेलते हैं तो वो कम ग्राफिक्स होते हैं, कम फ्रेम रेट होता है, तो बैटरी कम ड्रेन होती है। तो अगर आप इसमें भी कम फ्रेम रेट और कम ग्राफिक्स पे खेलेंगे तो कम बैटरी ड्रेन होगी। 40 मिनट मेरे ख्याल से 6% या 7% के आसपास, 6% के आसपास होगी अगर आप इसे लो मोड पे या बैलेंस मोड पे खेलेंगे। हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग थी इसलिए 8% हुई है, पर फिर भी एनीवे अब मैं आपको एंटीडू स्कोर दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने वादा किया था आपको। एंटीडू स्कोर मैंने ऑलरेडी रन करके रखा है और ये रहा इसका एंटीडू स्कोर, 1,94,497, और ये इसके दूसरे स्कोर्स भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको डिटेल में इसके ग्राफिक्स और इसके टेम्परेचर और इसकी बैटरी के साथ एंटीडू स्कोर के बारे में बताया। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।